सो गाइज, पिछले कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही रिक्वेस्ट आ रहे हैं अबाउट माई स्किन रूटीन, माई हेयर रूटीन, माई मेकअप रूटीन. सो मुझे लगा कि मे बी आई शुड शेयर समथिंग विथ यू. यू नो, आई फील कि स्पेशली आर्टिस्ट के लिए हमारी जिंदगी में सेल्फ लव बहुत ज्यादा मायने रखता है, बिकॉज आउट ऑफ दैट सेल्फ लव हम जो खुद का ख्याल रखते हैं, फिर वो बालों का हो, मेकअप का हो, सेहत का हो, हर किसी का हो, दैट रिफ्लेक्ट्स. एंड दैट्स व्हाई यू नो देर आर पीपल हु आस्क अस और लुक अप टू अस और वट एवर. सो यस, इन सब में मेहनत बड़ी होती है एंड ये कोई भी कर सकता है, फ्रेंकली स्पीकिंग. इट्स जस्ट दैट आपकी इतनी कमिटमेंट होनी चाहिए. सो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर अ सर्टन थिंग्स अबाउट माई सेल्फ. मैं हालांकि इतनी कॉन्शियस नहीं थी काफी सालों तक, लेकिन पास्ट कपल ऑफ ईयर्स आई थिंक आई हैव बिकम मोर कॉन्शियस अबाउट माई लुक्स और टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ और मार्केट में क्या चल रहा है, लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं. मैं अभी भी इतना फॉलो नहीं करती हूँ, बट कम से कम मेरे लिए क्या अच्छा है और मुझे क्या सूट करता है, इस चीज पे अब मैं ध्यान रखना मैंने शुरू किया है. सो सबसे पहली बात तो पीपल आस्क मी अ लॉट अबाउट माई स्किन. तो डेफिनेटली जेनेटिक्स मैटर करता है इन चीजों में. डेफिनेटली आपका काम आसान हो जाता है और कुछ नहीं. अगर आपके जेनेटिक्स अच्छे नहीं हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी स्किन अच्छी नहीं हो सकती, आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी होगी. दैट्स अबाउट इट. एंड सो डेफिनेटली जेनेटिक्स के मामले में आई एम अ लिटिल लकी. मेरी अच्छी स्किन मुझे मेरे मामा की वजह से मिलती है. एंड लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि हम उसका ख्याल नहीं रखते. सो स्किन के लिए अगर देखा जाए तो डेफिनेटली घर के जो भी नुस्खे हो, यू नो, बटर लगाना, जैसे सफेद मक्खन होता है फॉर सॉफ्टनेस, मॉइस्टनेस, ये वो, घर के सारे नुस्खे तो मैं फॉलो करती हूँ. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप घर पे ध्यान रखना जरूरी है, उतना ही जरूरी है, जैसे स्पेशली आप 20s हो, लेट 20s में जा रहे हो, ट्रीटमेंट्स करना भी उतना ही जरूरी है. बिकॉज आप जो घर पर करते हो वो काफी ऊपर के लेवल पर होता है. जो आप ट्रीटमेंट्स करते हो, इट पेनिट्रेट्स डीपर एंड बेटर एंड गिव्स यू बेटर रिजल्ट्स एंड लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स. सो डेफिनेटली एक अच्छे डर्मैट के पास जाना महीने में एक बार जरूरी है. ऐसा नहीं कि एक बार चले गए फिर छह महीने के बाद चले गए, यू विल नेवर गेट रिजल्ट्स. सो लाइक आई सेड, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है इसमें, सिर्फ मॉनिटरी नहीं तो टाइम की इन्वेस्टमेंट भी है. बिकॉज एवरी मंथ यू हैव टू गो. तो एब्सोल्युटली मैं भी अपने डर्मेट के पास जाती हूँ महीने में एक बार, और स्किन के हिसाब से जो भी है, आरएफ है या पील है या कुछ भी है, मतलब दैट योर डर्मेट कैन टेल यू बेटर कि what do you require according to your age, according to your skin, genetics and everything. So that is one thing you have to do, going to a dermat. लेकिन ये हो गया normal case में, जहां पर आपके hormones जगह पर हैं, आपको acne का इतना कोई problem नहीं है. लेकिन अगर आपको acne का problem है, अगर आपको hormonal changes हो रहे हैं, जैसे मुझे हुए थे almost 2-3 साल पहले, कुछ घमासान युद्ध हो रहा था मेरे बॉडी में और हॉर्मोन्स काफी मेरे ऊपर नीचे हो गए थे. सो उस वक्त राइट फ्रॉम माय हेल्थ टू माय स्किन, इन सारे चीजों पे बहुत ऊपर नीचे हो गया था, विच आई नाउ काउंट इट एज अ ब्लेसिंग. क्योंकि बहुत चीजें मैंने उस दरमियान फिगर आउट की और उस पर मैंने एक रिसर्च सा किया और बहुत सारी चीजें समझ में आ गई. सो आई एम थैंकफुल फॉर दैट, बट आई रियली होप कि वो मौका, वो कंडीशन किसी के ऊपर ना आए. बट इन सारे, जब आप ऐसे प्रॉब्लम्स में से गुजरते हो, तब आपको एक रीजन मिलता है टू फिगर आउट व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इनसाइड ऑफ योर सिस्टम. अगर सब कुशल मंगल चल रहा है तो ऑब्वियसली नो वन विल बॉदर. मैंने इतने साल कभी बॉदर नहीं किया, लेकिन व्हेन थिंग्स वर नॉट राइट, दैट्स व्हेन यू एक्चुअली वांट टू फिगर आउट कि हाउ डज द बॉडी फंक्शन, एक्ने क्यों होता है, हॉर्मोनल चेंजेस क्यों हो रहे हैं, और ये सब बड़ा ही कॉम्प्लेक्स मामला है. सो वील गो टू दैट सम अदर डे. टूडे वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट स्किन एंड मेकअप एंड हेयर. सो ये हो गई मेरी स्किन की बात. बेसिकली डर्मेट के पास जाओ, रेगुलरली जाओ, घर के थोड़े से कुछ ट्रीटमेंट्स कर लो, अच्छा खाओ. अगर आप अनाप शनाप खा रहे हो, अगर आप
इरिटेड ड्रिंक्स ले रहे हो, अगर आप ज्यादा मीठा खा रहे हो, इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ टेकिंग केयर फ्रॉम ऑल द साइड्स. अब मैं डोमैट के पास जा रही हूँ और आने के बाद घर में भजिया खा रही हूँ, तो इट्स ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू हेल्प मी. सो आपको डाइट का ख्याल भी रखना है, आपको सनस्क्रीन भी लगाना है, आपको डोमैट के पास भी जाना है, आपको अच्छे मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करने हैं. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई मेकअप नाउ. अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि मैं क्या मेकअप करती हूँ. आई डोंट बिलीव इन डूइंग अ लॉट ऑफ मेकअप. मुझे सिर्फ ऐसा लगता है कि फेस के इम्बैलेंसेस को बैलेंस करना चाहिए, उसके अलावा आई डोंट वॉन्ट टू डू अ लॉट ऑफ मेकअप. सो राइट नाउ ऑल्सो ऑब्वियसली अंडर आईज थोड़े से हैं मुझे, तो वो मैंने कवर किया है बॉबी ब्राउन के प्रोडक्ट से. दिस इज बॉबी ब्राउन स्किन लॉन्ग वेयर वेटलेस एंड नंबर इज नेचुरल टैन 4.5. इट्स अ 4.5 नेचुरल टैन. और ये भी ऑनेस्टली मैंने सिर्फ थोड़ा सा अंडर आईज ब्रश से अप्लाई किया है, आजू बाजू तो आई डोंट थिंक आई हैव इवन अप्लाइड मच ऑफ प्रोडक्ट. एंड उसके बाद आई थिंक व्हाट आई रियली लाइक, आई थिंक यू नो मेकअप, आई फील मेकअप इज मोर लाइक, गॉड आई एम गेटिंग क्रैम्प्स. मेकअप आई थिंक यू नो एटलीस्ट मेरे लिए इट्स मोर लाइक अ मूड, कि कभी मन करता है कि कुछ नेचुरल मेकअप हो, कभी मन करता है कि नहीं मुझे थोड़ा कंटूरिंग ज्यादा चाहिए. फिलहाल अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा आई जस्ट पुट सम लिटिल ब्लश. लेकिन सो यू नो कभी मुझे लगता है कि सिर्फ ब्लश करके हाँ छोड़ दो, कभी लगता है कि नहीं मुझे बेस भी नहीं कर रहा है, कभी कभी लगता है कि नहीं मुझे कॉन्टोरिंग चाहिए, शार्प लुक चाहिए, कभी लगता है कि नहीं थोड़ा मुझे आई मेकअप भी करना है. सो आई थिंक मेकअप रोज एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए मूड के हिसाब से, क्योंकि जो चीज मुझे आज खुद पे अच्छी लग रही है वो जरूरी नहीं कि कल भी मुझे अच्छी लगे. दैट्स आई थिंक happens with everyone. So experiment करते रहना जरूरी है. एक ही एक स्टाइल को अपनाना सही नहीं है, बिकॉज बोरियत आ जाती है एंड देन यू नो थिंग्स गेट रियली बोरिंग आफ्टर अ पॉइंट. सो एनी वे, सो लाइक आई सेड आई वॉज यूजिंग दिस बेस, बॉबी ब्राउन का ये बेस है. उसके बाद जस्ट निटल ग्लो, ज्यादा नहीं, ऐसे आपको ट्यूबलाइट की तरह नहीं दिखना है, लेकिन फॉर दैट निटल ग्लो आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट. आई really don't know how to pronounce this. It's an anesthesia, whatever it is. It's a highlighter, illuminator. So this is really nice. I like this one. And eyebrows ke liye, I think this one product really works for me. This is NYX ka eyebrow mascara. I don't know what shade I'm using. It's a tinted brow mascara. It's brunette. I'm using brunette. And ये मस्कारा ले लिया थोड़ा सा इधर उधर, जस्ट ग्रूम योर आईब्रोज एंड इट गिव्स अ नाइस शेड एंड ग्रूम्स योर आईब्रोज, कीप्स इन प्लेस एंड ऑल ऑफ दैट. एंड दैट्स अबाउट इट. मैंने और कुछ नहीं किया है. हाँ, एंड लाइक आई सेड आई हैव यूज्ड अ लिटिल ब्लशर. ये मेरा बहुत पुराना ब्लशर है, मैक का है आई थिंक ये. दिस इज अ साइन कि मैं इसे बिग बॉस में लेके गई थी, बिकॉज दे कवर ऑल द प्रोडक्ट्स, दे डोंट वॉन्ट टू सी एनी ब्रांड्स. Memories. So this is Peach Twist. If you can see, this is Peach Twist, and if you can see, काफी product मैंने over the time use किया है, but this is like a nice pinkish brownish nice tinge it has. It looks very natural, although आज तो मैंने बहुत ही कम लगाया है. But yeah, this is it. And मुझे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं मेरे lipsticks को लेकर. So I'm just going to share a few of my lipsticks. This is MAC. This is Chili by MAC, and I really, really love it. I think right now also I'm wearing this only. It's like a nice orangish, reddish shade, and I really like it. Then this tester मुझे मिला था Bobbi Brown का, which is like a nicer red, like a proper red. This is called I don't know इसका नाम क्या है कुछ. I don't think it's mentioned. High Shine Brilliance Intense. That doesn't look like a shade name. So this is another red that I really like to use. And then this is like another tester I have got from Bobbi Brown, which is like a nice neutral soft pink natural look. Iska naam bhi hai Neutral Rose. Neutral Rose, which I think I really, really like. And I'm either a natural shade